आज का विजिट बहुत अच्छा लगा हमको, क्योंकि पहले एक बार मैंने आया था उसका डेवलप होने के पहले, वो फार छोटा छोटा फार पूरा भरा हुआ था। अब मैंने वही सोचा पता नहीं कहाँ कैसा यहाँ में प्लान लगाएंगे, वो आज देखा है तो वो काफ़ी डेवलप हो गया और रियली फैंटास्टिक डेवलप हुआ, हम देख के बहुत खुशी लगा। ये एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का ही है स्कीम, तो उन लोग ऑनलाइन दिया है, ऑनलाइन में तो ये क्या था उसका लेखा मास साहब ने उसको लिया ऑनलाइन से, तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट का तो सिर्फ हम लोग प्रोवाइड करना है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, जब पानी होगा, इलेक्ट्रिसिटी, लिंक रोड, ये सब और एरिया इसको डेवलप कर देना जगह को जहां हम लोग यूनिट इस्टेब्लिश करेगा, इसी में उसका हम लोग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का अपना रोल होता है, हम फंडिंग हमने जो करना है इसी में करेगा, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको टेक ओवर करेगा और प्रमोटर जो है ये लिखा माज है। या ये इससे बहुत बेनिफिट मिला, क्योंकि जो भी हमारा यहाँ प्रोड्यूस होता है, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, जो भी हो, इवन एपिकल्चर, जो भी यहाँ से प्रोड्यूस होता है उसको अच्छी तरह से प्रिजर्व करना, उसको बाहर एक्सपोर्ट ये क्वालिटी बनाना, और यह पहले तो ऐसा हमारा मार्केट सिस्टम ही नहीं है, कोई फार्मर के लिए कोई कुछ ढंग का इस ढंग का ऐसा फैसिलिटी नहीं है कि फार्मर एकदम ये इनकम मिल जाए विदाउट एनी डूइंग सम मच ऑफ। या अभी अपना अपना पर्सनल रिस्क में है, जो बाहर में बेच सकता है, जो नहीं सकता है वो तो बेचारा पट जाता है, तो ये सबके लिए बेनिफिट होगा जो भी अभी जो हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर जो भी काम ये करेगा, गार्डन करेगा, उसके लिए बहुत काम में आने वाला है। हम लोग अभी वो तो ऑनलाइन में दे देंगे, अभी आपका इन्वेस्टर्स कुछ हम लोग मोटिवेट करने का, इन्वेस्टर्स का कॉन्फ्रेंस बैठाना है, उन लोग से कुछ मोटिवेट करना है। अभी हम प्लानिंग डिपार्टमेंट से भी हम लोग बात करेंगे, उन लोग तो प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट तो स्टेट का फाइनेंशियल साइज देख के कितना करना है क्या करना है उसको भी तो बात करना होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो हम लोग सिर्फ फिजिकल काम करता है, किंतु फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट तो उन लोग से ही आना पड़ेगा, उन लोग का कंकरेंस बिना हम लोग देना है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही तो उसको ले लेगा। अभी हम लोग जो भी करना है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके उसको एंडेवर करेगा, उसका एक अभी उन लोग का अपना एक छोटा कंपनी भी है इसको संभालने के लिए, तो वही संभालेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो सब कुछ आएगा। एक्चुअली हर एक कंपनी का भी जो भी स्पेशल पर्पज व्हीकल बनता है वही उसी प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा, बिगर प्रोजेक्ट हो सकता है इधर उधर दूसरा भी होगा, इसमें एक एक प्रोजेक्ट के लिए एक एक अलग अलग कंपनी के लिए तोड़ना होता है। इसमें ये SPV स्टेट स्पेशल पर्पज व्हीकल बोलता है वही इसी प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा, उसका SPV ऑलरेडी बना चुका, रजिस्ट्रेशन हुआ है ना, वह ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हुआ है। अभी उन लोग SPV को हम इसलिए बोल रहे हैं, अभी तो ऑलमोस्ट ये एरिया डेवलप हो गया है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट से सिर्फ पानी का बाकी है, बाकी सब ऑलमोस्ट पावर का भी हो रहा है, तो रोड शोड जो भी साइड डेवलपमेंट सब कुछ हुआ है। अभी हमारा ये है कि हम तो प्लानिंग डिपार्टमेंट से भी यही बोलूँगा कि अभी से उसको SPV का भी तो मॉडलिटीज वर्कआउट करना पड़ेगा, क्या मॉडलिटीज में हम लोग प्लॉट अवार्ड ये करेगा और अलग अलग आइटम होगा उसको किसको क्या देगा, उन एक मॉडलिटी SPV वर्कआउट करके उसके बाद ये हम लोग उसका काम तो शुरू करना है बस। सर, फूड पार्क बोला गया तो ये इंडस्ट्री और इससे कैसे रिलेटेड? ये एक्चुअली ये जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्री का हिस्सा है। फूड जब तक ये फल है तो एग्रीकल्चर का है, हॉर्टिकल्चर का है, और जब उसको प्रोसेस करके हम कुछ दूसरा आइटम बना करके नॉन पेरिशेबल आइटम बनाना या कुछ बाहर में एक्सपोर्ट करना, ये सब है जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का ही है, तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोलता है, और तो एग्रीकल्चर अलग है, हॉर्टिकल्चर अलग, उधर में भी अलग अलग है, किंतु इसी पर्पज़ के लिए अलग अलग मिनिस्ट्री है, कैबिनेट अलग है, उसका जो भी मिनिस्ट्री अलग है, तो उसका कैबिनेट मिनिस्टर भी हम बात भी किया था उससे, वो तो बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। तो सर किस टाइप का फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाएगा? फैसिलिटीज तो हमको तो जैसा अभी ये लैंड डेवलप कर दिया, वाटर सप्लाई देना है और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देना है, रोड तो ऑलरेडी बना दिया, उसके बाद उन लोग अपना अपना जो करेगा वो तो बाद में SPV भी डिसाइड करेगा, स्टेट प्लानिंग स्पेशल पर्पज व्हीकल उन लोग है उसका, ये लोग उसमें है वो ये वाला है राब, तो हम तो अभी ये जो बजट का मेथड लेकर के और बजट अवेलेबिलिटी का मेथड लेकर के हम बिना
प्लानिंग डिपार्टमेंट और फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के पूछे हुए हम इतना होगा बोल के हम अंदाज नहीं कर सकते। हम रिक्वेस्ट तो है, हमारे डायरेक्टर साहब सेक्रेटरी साहब लोग ऑलरेडी बातचीत कर चुका है, अभी हम लोग प्रोविजन तो रखा है और कितना रहेगा हमको तो उन लोग के ऊपर निर्भर होगा। तो टॉक अबाउट द टेक्निकलिटी सर, कितना एरिया जो साइज का साइज क्या होगा सर उसका? तो 75 एकड़ था ना, 75 एकड़ ही है वो डोनेट किया है लिकामा साहब का उससे, बोलने से दूसरा स्टेट में उसको गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट खुद ही लैंड को भी अवेलेबल कर देते हैं। हमारा यहाँ तो ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी लैंड ही होता है या इंडिविजुअल लैंड होता है, हमको तो गवर्नमेंट का लैंड अवेलेबल एल्सवेयर नहीं है। तो इसमें ये लेखामा साहब ने खुद अपना लैंड को 75 एकड़ इसके लिए अवेलेबल कर दिया, उसके आधार पर यह सब काम का तो जैसा करना था, अभी इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट करना है वाट वही है, फिजिकल काम तो खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट, मात्र वाटर सप्लाई का देना है बस। सर एक टेंटेटिव डेट दे सकते हैं? नहीं, वो टेंटेटिव डेट तो हम ऐसा ग्रांटेडली हम नहीं बोल सकता है, वो तो हम इस साल करने के लिए कोशिश जरूर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन।